गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग का बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू जो था वो खत्म हो गया। आज हम लोग उसका एक्सरसाइज करें। पेज नंबर 9 जो है आप लोग बुक ले लीजिए, क्योंकि ये जो करेंगे हम लोग बुक में ही करना है। तो पहले एक्सरसाइज का जो है टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, पेज नंबर 9। तो ये हम बताते जाएंगे, आप लोग टिक कर लीजिए। 4 ऑप्शन दिया है, जो सही होगा वही हम बताएंगे। नंबर 1, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका सही आंसर होगा ए, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। तो 1 का सही आंसर ए, ए पे टिक लगाइए। नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका सही आंसर होगा बी, जिसमें लिखा है वैक्यूल्स आर मोस्टली प्रेजेंट। नंबर 2 का सही आंसर बी, बी में टिक लगाइए। नंबर 3, दिस कॉजेस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट, इसका सही आंसर होगा नंबर सी, 3 का सही आंसर सी। नंबर 4 जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसका सही आंसर होगा ए, कॉर्क। नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव लिग्निन, इसका सही आंसर होगा डी, स्क्लेरेन्काइमा। नंबर 6, जाइलम कंसिस्ट ऑफ, इसका सही आंसर होगा नंबर डी, जिसमें लिखा है वेसल्स, ट्राकेट्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डेड सेल, इसका सही आंसर होगा डी, जाइलम। नंबर 8, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ, सही आंसर होगा नंबर सी, सीप सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो 8 का सही आंसर सी, सी में टिक लगाइए। नंबर 9, दीज आर इलोंगेटेड सेल्स विद माइन्यूट पोर्स, इसका सही आंसर होगा सीप सेल्स। तो 9 का बी में टिक लगाइए। और नंबर 10, वास्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ, इसका सही आंसर होगा जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि डी, डी में टिक लगाइए। फिर जो है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स बुक में कर लीजिए। नंबर 1 में अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स फॉर्म्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ब्लैंक्स में लिखना होगा वो हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए बुक में। मेरिस्टेमेटिक डैश में होगा। नंबर 2, डैश मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट्स, ये होगा एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट। नंबर 3, नंबर 3 में होगा लैटरल, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ रूट एंड स्टेम। नंबर 4, सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड्स डैश एंड डैश। तो 4 में पहला वाला जो डैश है उसमें लिखिएगा सपोर्ट, एंड दूसरा जो डैश है उसमें लिखिएगा प्रोटेक्शन। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 में है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ट्रांसपोर्ट डैश एंड डैश, ये दोनों डैश है, दोनों डैश में पहले लिखिएगा न्यूट्रिएंट्स, पहला डैश में न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड डैश में वाटर। नंबर 6, नेक्स्ट पेज में, नंबर 6 पेज नंबर 10 में, द आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर यूजुअली थिक एंड कवर्ड विद क्यूटिन, क्यूटिन, CUTIN, क्यूटिन। नेक्स्ट नंबर 7, इन लीव्स द एपिडर्मिस हैज स्पेशल सेल कॉल्ड गार्ड सेल, GUARD, गार्ड, CELLS, गार्ड सेल्स। नंबर 8, द फाइबर्स ऑफ जूट एंड हास कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, डैश में होगा स्क्लेरेन्काइमा, SCLERENCHYMA, क्लेरेन्काइमा टिश्यू।
गैस वेसल इज नॉट वन सेल बट सीरीज ऑफ सेल्स, ये होगा जाइलम वेसल। नंबर नाइन में जाइलम, एंड द लास्ट नंबर टेन, फ्लोएम इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द वास्कुलर बंडल। फ्लोएम, फ्लोएम नंबर टेन का डैश में फ्लोएम लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट डे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हम लोग कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट डे आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा, हम लोग कॉपी में ये जो डिफाइन करना है ये इसमें क्या क्या लिखना है हम दे देंगे। ओके बाय।